रहमत और रहम दिली बहुत बड़ी खूबी है जिस इंसान को ये नसीब हो जाए वो खुशकिस्मत इंसान है और जिस इंसान के दिल से रहम छीन लिया जाए उसके सीने में दिल नहीं पत्थर हो तो बहुत बदकिस्मत इंसान है। सिर्फ यही नहीं कि रहम दिली से दुनिया बनती है, मोहब्बत मिलती है, दुआएं मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं, रहमतों का वसूल होता है, बल्कि रहम दिली तो एक ऐसी चीज़ है कि जो रहम दिल होता है अर्शों का रब भी उस पर मेहरबान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ मुश्तमे थी जो सारी दुनिया में खूबियाँ अलहदा अलहदा पाई जाती थी वो अल्लाह के पैगंबर की ज़ात अक्दस में यकजा हो गई थी। लेकिन उन तमाम खूबियों में एक नुमाया तरीन खूबी रहम दिली थी। मेहरबान थे और कमाल के थे, नरम दिल थे और आखिरी हद तक थे, मोहब्बत करते थे और टूट के करते थे। दुनिया की सारे बाबों की मोहब्बतें जमा की जाएं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बनती है। अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, बाबों जैसे मेहरबान थे।